के गांव से सटे दादोवाला के पास कोतवाल कृषि फार्म पर आजकल गुलदार का आतंक मचा हुआ है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहां बता दें कि काशीपुर वन क्षेत्र के ग्राम दादोवाला के समीप कोतवाल कृषि फार्म स्थित है, वहीं कुछ गाँव भी है। पिछले काफी दिनों से एक गुलदार वहाँ आतंक मचाए हुए है। इस फार्म में एथलेटिक्स संघ के चेयरमैन विजेंद्र चौधरी रहते हैं। उनके दो पालतू कुत्तों को इस आतंकी गुलदार ने अपना निशाना बना दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। विजेंद्र चौधरी का कहना है कि पूर्व में उनके गाय का बछड़ा व एक कुत्ते को भी गुलदार ने अपना निशाना बनाया था। साथ ही उनके यहाँ नौकरी कर रहे नौकर को भी गुलदार अपना निशाना बनाना चाह रहा था, लेकिन उसने भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना की सूचना उन्होंने वन विभाग को दे दी। वन विभाग के अधिकारी एवी सक्सेना ने बताया कि सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम क्षेत्र में भेजी गई है। गुलदार का आतंक नहीं थमा तो वह इसकी रिपोर्ट डीएफओ को करेंगे। उसके बाद डीएफओ इसकी रिपोर्ट देहरादून मुख्यालय को भेजेगा। वहाँ से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की अनुमति प्रदान होगी, तभी वहाँ पर पिंजरा लगाया जा सकता है। फिलहाल चौकसी के लिए वन विभाग की टीम क्षेत्र में कॉम्बिंग के लिए भी भेजी गई है। ये मेरा दादूवाला जलपुर में कोतवाल कृषि फार्म है, वहाँ आए दिन गुलदार आता रहता है। इससे पहले भी 5-6 महीने पहले आया था, मैंने वन विभाग वालों को सूचना भी दी थी। उस समय मेरा एक ही बछड़ा और एक कुत्ते को इसने अपना निवाला बनाया था, और जो मेरे फार्म हाउस पे जो मैनेजर है उस पर भी उसने उस समय बार किया था, तो वो तो कमरे के अंदर चला गया था। मैंने वन विभाग वालों से भी बताया था, उसकी सूचना दी थी, और परसों फिर ये जानवर देखा गया। 3-4 दिन से ये गुलदार वहाँ पर आतंक मचा रखा था उसने, और कल रात ये मेरे दो पालतू कुत्तों को उठा के ले गया, जिसके मैंने पंजों के निशान और कुत्ते का जो सब है वो मैंने आपको दिखाया है। इससे वहाँ के रहने वाले जितने भी ग्रामीण हैं उनमें बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। नहीं तो इसमें आज ही मेरे पास एक वीरेंद्र चौधरी जी का फोन आया था कि उनके वहाँ पे कोई कल गुलदार का मूवमेंट देखा गया था, तो अब मेरे द्वारा वहाँ स्टाफ को भेज दिया गया है और बाकी स्टाफ को सचेत कर दिया जाए, फिर उनको भी कही जाएगी जिनका खेत है या जो लोग रह रहे हैं वो भी अपनी तरीके से सावधानी, क्योंकि ये तो गुलदार तो एक ऐसी चीज़ है आज यहाँ को अब अपने हमारे काशीपुर में ही देखा जा रहा है कि कभी IIM में है, कभी सन्यासियों वाला है कि वहाँ भी देखा जा रहा है। तो गुलदार का तो ऐसा है कि एक जगह तो रहता नहीं है। आज इस गाँव में चला गया, उस दिन नारायणपुर से आएगी, हम लोग वहाँ भी गए, स्टाफ भी गया था मेरा संग, मैं खुद गया था वहाँ पे हुआ, फिर वहाँ देखा, उसके बाद से वहाँ से अभी तक कुछ नहीं हुई। उसी से ही लगता हुआ ये गांव जो दादू वाला है ये उसी गांव से लगता हुआ है, ये सन्यासियों वाला से लगता हुआ। तो अब वहाँ भी हमने स्टाफ को भेज रखा है ये, तो अब इसका तो अब ये होगा या तो डेली का अब उसको देखा जाएगा, अगर उसका डेली का वो होगा तो उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये तो जानवर हुआ, जानवर आज यहाँ पर है कल को वहाँ, तो उसको अभी पकड़ना ऐसे तो संभव नहीं हो पाएगा। देखिए इनका जो ये गुलदार और ये होते हैं, इनका ज़्यादातर ये गांव के आसपास ही रहते हैं, नज़दीक तो इनका भोजन ही कुत्ते हो गया, गीदड़ हो गया, यही चीज़ों को ज़्यादा अटैक करते हैं। मानव पे तो ज़्यादा ही अगर कभी घात लगाए तभी वो करता है, इसमें बस बचाव के लिए भी अब उनको बताया जाए कि भाई हल्ला गुल्ला करें, थोड़ा शाम को अकेले दुकेले ना निकलें और थोड़ा लाइट उठ की अपने व्यवस्था, यही इसका उपाय है। बाकी अब पिंजरा भी अगर लगाए हम तो पिंजरा भी एक जगह, तो अगर उसका हो तब तो पिंजरा भी लगाया जाए, अभी तो यही है जब तक अगर लगातार उस जगह पे आता है तो फिर उस तरीके से कार्रवाई, क्योंकि हमको भी उच्च अधिकारियों से पिंजरे की परमिशन देहरादून से लेनी पड़ती है, तो पिंजरा भी हम उसी तरीके से जब ज़्यादा ही वो होगा तभी संभव हो सकेगा तो पिंजरा। बाकी हम अपने स्टाफ को डेली सुबह शाम के टाइम पर वहाँ गश्त के लिए भेजेंगे और